काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन ने तहसील कार्यालय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जहां कांग्रेस और अन्य पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, तो अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र राणा के नेतृत्व में किसानों ने तहसील कार्यालय पर धरना दिया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र राणा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से कितना किसानों के सामने संकट गहराने लगा है, जिससे किसान कर्ज के तले डूबता जा रहा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल के समय बिजली बिल, सस्ता डीजल और गन्ने का बुक का बकाया भुगतान एक बार में किसानों को दिया जाना चाहिए, जिससे देश का अन्नदाता राहत की सांस ले पाए। इस टाइम पर खरीफ की फसल बुआई चल रही है और किसान को इस समय डीजल की बहुत जरूरत होती है। किसान को रबी की फसल से भी ज़्यादा खरीफ की फसल में खर्चा आता है और डीजल की कीमतें इतनी ऊंची हैं कि किसान को बहुत दिक्कत हो रही है। उसी को लेकर हमने आज एक सांकेतिक धरना देश भर में सभी तहसीलों पर दिया है और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार द्वारा भिजवाया है। उसमें मांग रखी गई है कि जो कोरोना काल में कृषि ऋण पर सरकार ब्याज माफ़ कर दे, डीजल के जो रेट हैं फसल के समय कम करवा दे किसानों के लिए, और बिजली के बिल कोरोना काल के माफ़ करवा दे, और जो किसानों का गन्ने का और फसल का बकाया पैसा है वो एक मुश्त तुरंत भुगतान करा दे, जिससे ये किसानों के पास जो नकदी की समस्या है वो दूर हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमने एक सांकेतिक धरना दिया और माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिया गया।